सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। झामुमो की ओर से लगातार जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद से लगातार पलामू जिले के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूमकर चलंत भोजनालय के माध्यम से जरूरतमंदों को ताज़ा ताज़ा भोजन कराया जाता है। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य राकेश पासवान लगातार अपनी देखरेख में इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूमकर लोगों को खाना खिलाने के बाद शाम को मेदिनीनगर के हृदय स्थल छमुहान चौक पर कैंप लगाकर जरूरतमंदों के बीच गरम गरम खाना बांटने का कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। मौके पर श्री पासवान ने कहा कि राज्य की सत्तासीन सरकार का एक ही मकसद है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। यही वजह है कि वो पार्टी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते इस कार्य को कर रहे हैं। वह हर जरूरतमंद गरीब तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आह्वान पर कोई भी गरीब भूखा ना रहे और कोई भी गरीब भूखे ना सोए, उस आधार पर मेरा 21 मार्च से संसद मोर्चा के बैनर तले हुसैनाबाद में डॉक्टर एजाज अहमद हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और सचिव हैं निहाल असगर जी, उनके नेतृत्व में हमने वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का पत्रकारों के साथ सैनिटाइजर, मास्क, साबुन का वितरण कर सेवा शुरुआत किया था। जो भी लगातार खाद्य सामग्री के द्वारा चाहे चैनपुर हो, कुष्ट कॉलोनी हो, विकलांग महाविद्यालय हो, गढ़वा में हो, भवनाथपुर में हो, चाहे बेतला के पास से ले जाइए, अमपुरवा पर या जाति हो, आदिवासी लोग, उनके बीच बीच में गरीब जो निम्न तक के लोग हैं उनके झोपड़ी में जा जाकर खाद्य सामग्री का वितरण लगातार हम कर रहे हैं। उसके बाद जब श्रमिकों के ऊपर आफत आई पूरे देश में और श्रमिक भूखे प्यासे अपने दूसरे राज्य से अपने झारखंड राज्य में आना चाह रहे थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे तो हमें देखा नहीं गया, तो उनके लिए हमने श्रमिकों के लिए आपका 19 तारीख से चलंत भोजनालय, जो ये चलंत भोजनालय है, ऐसी पिकअप के माध्यम से पर डे 50 से 60 लोगों को जाकर पहले पिकअप सेवा देती है, उनको भोजन कराती है, उसके बाद फिर उस स्थान से छोड़कर हम लोग यहाँ पर आकर 300-400 लोग जो भी व्यवस्था है हम लोग सब लोगों को भोजन कराते हैं। और यह प्रक्रिया लगातार माननीय हेमंत सोरेन जी के आह्वान पर 21 मई तक लगातार सेवा मेरा ये चलते रहेगा। शुरुआत वहाँ से कर दी है।